नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि अब रोजाना 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। टीकाकरण अभियान ने भी बीते 1 महीने में जोर पकड़ा है और नए मामले भी इस दौरान बढ़े हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट भी मिलने की बात सामने आई है। इसके बीच एक नया दावा भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि टीकाकरण की वजह से कोरोना के नए वेरिएंट पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते तेजी से संक्रमण फैलने लगा है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। दावा किया जा रहा है कि मौजूदा टीकाकरण अभियान से जिस तरह से नए वेरिएंट पैदा होंगे, उससे दुनिया की बड़ी आबादी संक्रमण की चपेट में आएगी। दरअसल बेल्जियम के कीट वान डेन बॉस्चे की एक चिट्ठी के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। पशुओं में बीमारियों को लेकर रिसर्च करने वाले गेट ने कहा है कि सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम वायरस के करियर के तौर पर काम कर रहे हैं। अब इस खबर की सच्चाई जानना भी जरूरी है, इसलिए इस खबर का हमने फैक्ट चेक किया। सवाल यह है कि क्या सच में कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से नए वेरिएंट पैदा हुए हैं? जब इस दावे का फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ये सिर्फ महज एक दावा है। टीकाकरण के चलते नए वेरिएंट पैदा होने का कोई सबूत नहीं है। अभी कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो टीकाकरण शुरू होने के बाद पैदा हुआ हो। ज़्यादातर म्यूटेंट टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले से ही मौजूद हैं। इसके उलट इस बात के सबूत मिले हैं कि टीकाकरण ट्रांसमिशन को कम करता है। ऐसे में ये कहा जाना कि टीकाकरण अभियान से दुनिया की बड़ी आबादी संक्रमण की चपेट में आ जाएगी और ये बर्बादी की वजह बन जाएगा, ये एकदम गलत है और ये पूरी तरह से एक डर का माहौल बनाने की कोशिश लगती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।